तो अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामे वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए हो सकती है। आज हम बात करने वाले इर्रेसिस्टिबल की और क्या आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो भाई दिस इज द सेकंड मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन स्टूअर्ट जो कि काफी जाने माने कॉमेडियन है और एक काफी अच्छे कॉमेडियन है। तो ये मूवी हमको लेके जाती है एक छोटे से टाउन में और वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में बताती है और बेसिकली मूवी एक सार्कास्टिक कमेंट देती है यूएस की पॉलिटिक्स पे। तो वैसे तो मूवी 26 जून को रिलीज हो गई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है और इस मूवी को मैंने पहले देख लिया था बट ये नेटफ्लिक्स पे अब रिलीज हुई है तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू कर दें, क्योंकि जैसे जैसे मैं रिव्यूज डालता जा रहा हूँ, वीडियोज डालता जा रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है कि इंडियन ऑडियंस ऐसी मूवीज में भी इंटरेस्टेड है, वो सिर्फ वो टीनेज ड्रामा और लव स्टोरीज में इंटरेस्टेड नहीं है। अब दैट बीइंग सेड जल्दी से इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा ब्रीफ और छोटी सी है। तो इसकी स्टोरी ये है कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कंसल्टेंट होता है जो कि एक रिटायर्ड मेजर को एक छोटे से टाउन का मेयर बनाना चाहता है। तो वो कैसे इसके तरफ प्रोसीड करता है ये पूरी स्टोरी उस पे है। तो भाई इस मूवी में हमको देखने को मिल जाएंगे स्टीव कार्लर, रॉस ब्रेन, क्रिस कूपर, ब्रूस ऑल्टमैन और कई ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स। और जब ये मूवी आई थी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था बिकॉज ऑफ द कास्ट एंड स्टोरी लाइन और डायरेक्टर तीनों की वजह से। और मैं आपको पहले बता दूं ये मूवी कई जगह काफी ज्यादा हार्ट वार्मिंग हो जाती है और कई जगह आपको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इस मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इस मूवी की एक्टिंग। तो जितने भी कास्ट के लोग हैं सब ने काफी अच्छा काम किया है बट सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो मेरे को लगी है वो है क्रिस कूपर की। क्रिस कूपर भाई काफी अच्छा काम करता है बट अभी पिछले कुछ सालों में तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें कह ढा रखा है एक्टिंग में। तो चाहे वो बैकग्राउंड एक्टिंग हो चाहे लीड रोल हो, हर जगह एकदम ऐसी एक्टिंग कर देते हैं कि आपको बाकी लोग ऐसा लगता है कि क्या एक्टिंग कर रहे हैं इनके सामने। और इस मूवी में भी इन्हें काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब ये बात नहीं है कि स्टीव ने और रोज ने काफी अच्छी एक्टिंग नहीं करी है या अच्छी एक्टिंग नहीं करी है, उन दोनों की एक्टिंग भी काफी अच्छी है बट वही बात है ना, किसी एक एक्टर की एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है तो बाकी दोनों ओवरशैडो हो जाते हैं। तो इसमें रोज का रोल काफी अच्छा लगा है, मैं उनको ऐसा और रोल्स में देखना चाहूंगा आगे फ्यूचर में, चाहे टीवी शोज हो गए चाहे मूवीज में हो गई। और ये मूवी ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत बेकार है, थोड़ा नया सा कॉन्सेप्ट है मूवी का इंडियन ऑडियंस के लिए स्पेशली, बट हाँ मूवी काफी अच्छी है और आपके टाइम के वर्थ है, आपको कभी ऐसे लगेगा टाइम खराब किया। बट हाँ ये हो सकता है कई जगह मूवी बोरिंग हो जाए तो आई वुड रिकमेंड वो पार्ट स्किप कर दो। तो ये मूवी काफी जगह एंटरटेनिंग है, ये मैं नहीं कहूंगा कि इस मूवी में इतनी ज्यादा हंसी आई या काफी ज्यादा हिलेरियस है कि आप पेट पकड़ हंसने लगोगे, नहीं मूवी ठीक ठाक है। हाँ कहीं कहीं आपको स्माइल करने को मिल जाएगा मूवी में, ऐसा लगेगा हाँ अच्छा जोक था। तो ऐसे पार्ट्स हैं मूवी में बट हाँ बहुत ज्यादा हिलेरियस नहीं है तो इसको आप सिर्फ टाइम पास के लिए देख सकते हो। ये मूवी एक्टिंग को छोड़कर बाकी सब डिपार्टमेंट्स में एवरेज है, चाहे वो डायरेक्शन हो गया, चाहे राइटिंग हो गई, चाहे पेसिंग होगी मूवी की, तो उन सब डिपार्टमेंट्स में ये एवरेज है। अगर आप इनको स्किप कर सकते हो तो आप ये मूवी आराम से देख सकते हो। और मैं कहूंगा एज एन इंडियन इससे रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये यूएस की पॉलिटिक्स के बारे में दिखाया गया है, ऑल्दो पॉलिटिक्स इज मोस्टली सेम हर जगह बट फिर भी एक वो कनेक्शन बिठाना होता है ना कि अगर ट्रंप की जगह मोदी होता तो आप जल्दी कनेक्शन बिठा पाते, वही बात आ जाती है। बट अगेन अगर आप इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देख रहे हो कि भाई एक डेढ़ घंटा टाइम पास करना है क्या कर रहे हैं ये मूवी लगा देते हैं, तो उसमें आपको कहीं डिसअपॉइंट नहीं करेगी, इट्स अ गुड वन टाइम वॉच मूवी। तो अगर आप मेरी तरह इस मूवी से काफी ज्यादा होप्स लेके जा रहे हो कि भाई काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, काफी अच्छे कॉमेडियन लिखे तो काफी अच्छी कॉमेडी होगी, तो यार वहाँ पे आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हो मेरी तरह। बट अगर आप इसलिए जा रहे हो कि आपको वन टाइम वॉच एक मूवी देखनी है सल्लू भाई से अच्छी कोई, तो ये आपके लिए सही रहेगी। तो इस मूवी को मैं दूंगा 10 में से 6.5 स्टार्स, आप कितने दोगे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और मेरे से कोई पॉइंट रह गया तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, नई वीडियो अच्छी लगी तो डिसलाइक करना पर साथ में कमेंट्स बताना कि क्या इंप्रूव कर सकता हूँ आगे आने वाली वीडियोस में। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वॉचिंग गाइस एंड एज ऑलवेज पीस आउट।